भाई निकले निकले फिर आप ये ना साथ में ग्रुप फोटो कर लेते हैं। आप बोलते हो ये सब कुछ है मेट्रो यूनियन के लिए। हां मेट्रो यूनियन स्टेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है आपके हिसाब से, जैसे कि इसका नाम दिया गया है मूवी का द कन्वर्सेशन। जी जी, कन्वर्जन का मीनिंग ये है मैम, जिस तरह से हमारे सोसाइटी में ना जिस तरह से फोर्सफुल कन्वर्जन जो होते हैं किसी रिलीजन में या जो भी है, तो वो उसका मतलब वही मतलब है फिलहाल। तो बाकी एग्जैक्टली तो जब आप फिल्म देखेंगे तो तभी आप बता पाएंगे कन्वर्जन क्या जी, है जी। तो इसमें एक्चुअली ये इस लव स्टोरी, तो आप इसको एक अलग व्यू पॉइंट से मत देखिए कि इसका मतलब क्या है। इट्स फर्स्ट लव स्टोरी, ट्रायंगल लव स्टोरी है, जो कि देव, बबलू और साक्षी जो हम लोग तीन किरदार हैं इसके, रिवॉल्व पूरी हो रही है स्टोरी। और ये स्टोरी कॉलेज की है और उसमें कैसे आगे चल के क्या क्या होता है ये आपको देखने मिलेगा। और इसके साथ ही साथ लव स्टोरी के साथ साथ ये फिल्म एक अपने आप में एक बड़ा सोशल मैसेज दे रही है, बिकॉज लव मतलब लव तो किसी लव एक प्यारी चीज़ होती है, प्यार पे तो पूरी दुनिया कायम है। उस प्यार का गलत यूज़ ना हो, उस प्यार के से आज की यूथ भटक ना जाए। तो हमारी फिल्म का जैसे टैगलाइन है कि सेव आवर डॉटर्स, तो हमारी आज की जो यूथ है मोस्टली गर्ल्स, उनको एक अवेयरनेस जा रही है कि आप प्यार करिए अपने आप, वो प्यार कोई भी कर सकता है, किसी भी हर तरीके का प्यार होता है, बट आप गलत दिशा में मत जाइए। तो ये है पर्टिकुलर किसी चीज़ को या किसी कम्युनिटी को टारगेट करना नहीं, बिकॉज हम लोग एक्टर्स हर बार ये चीज़ें सवाल किया जाता है कि हम, क्योंकि हम एक किरदार एक्टर, हमें हमारा काम है किरदार को दिखाना, किसी को ठेस पहुँचाना काम नहीं है जी। और इसमें मेरा किरदार है बबलू इकबाल शेख, और इसमें अलग अलग इसके लेयर्स हैं कैरेक्टर्स के अपने आप में, और ये बाकी फिल्म देखेंगे तो पता लगेगा। व्हाट इज देव जी, मेरा कैरेक्टर का नाम है वो है देव। तो बेसिकली देव, बबलू और साक्षी के बीच में एक लव ट्रायंगल है, तो हम कॉलेज में साथ में पढ़ते हैं सब लोग, तो किस तरह से एक लव स्टोरी शुरू होती है तीनों के बीच में, मतलब बेसिकली इन दोनों के बीच में, और मैं तीसरा हूँ जो जिसको सिर्फ प्यार होता है। वो 22 अप्रैल को आपको पता चलेगा क्या है एक्चुअली कहानी। तो बेसिकली वो लड़का इस तरह का है कि जो मॉडर्न होने के साथ साथ मतलब अपने फैमिली वैल्यूज़, अपने रिलीजियस वैल्यूज जो भी उसके फैमिली की हैं वो भी साथ में लेके चल रहा है। तो एक बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। तो एक देव मतलब जैसे कि वो एकदम देव मानुष है, तो अच्छा करने में मज़ा आया। और बनारस में हमने शूटिंग करी पूरी फिल्म की, तो बनारस इटसेल्फ वो बहुत ही रिलीजियस प्लेस है, और वहाँ पे 30 दिन रह के एकदम हम लोग पूरा शुद्धिकरण हो गया हम सबका जितनी भी टीम थी, तो जी मज़ा आया। ओके, जब आप लोग शूट कर रहे थे तो क्या कुछ चैलेंजिंग लगा, क्योंकि आप लोगों का रोल जो है काफ़ी डिफरेंट है, और आप लोग उस प्लेस पे भी गए हैं जहाँ पे काशी कहा जाता है, तो कितना कुछ क्या रहा आपका चैलेंजिंग? तो सबसे पहले ये था कि जब मैं इस फिल्म की ऑडिशन दी थी, मैं मिला था तिवारी जी से, तो मैं ऑलरेडी बहुत ओवरवेट था, तो मेरे को कॉलेज बॉय में कन्वर्ट होने में को बहुत सिर्फ 20 दिन मिले थे, तो मैंने अपनी डाइट में इतना कटिंग किया कि मैं एक कॉलेज बॉय जैसा लुक कर लूँ। और उसके बाद जब स्क्रिप्ट सुनी थी, तो स्क्रिप्ट में जो बबलू का किरदार है उसमें उसका थ्रू आउट एक नहीं है, उसके अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है। तो उसमें घुसने के लिए मुझे काफ़ी स्क्रिप्ट, मैंने उसको मैं रीड करता था डेली, और बाकी शूट करते 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 और उसमें मैं रम गया, और मैंने बहुत मेहनत की है बबलू को जी कर ऑडियंस तक पहुँचाऊँ जी। जी जैसे कि मैंने कहा कि बनारस में मतलब वो जगह ही वैसी है कि वहाँ पे हमें कैरेक्टर में ज़्यादा, मुझे स्पेशली वो घुसने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं कॉलेज बॉय वैसे दिख रहा था ऑलरेडी, मुझे इसकी तरफ वेट लूज नहीं करना पड़ा, मैं पहले बहुत इससे ज़्यादा पतला था, लूज कर लिएगा तो मैं पहले ऑलरेडी बहुत पतला सूखा, तो कैरेक्टर्स वाइज तो हम लोग फिट थे। बाकी कहानी हमें जब विनोद तिवारी जी हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने हमें जिस तरह से नरेट की थी, तो कहानी इट्सेल्फ वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, कि किसी भी एक्टर को करने के लिए मतलब एक मोटिवेशन कहानी था कि इस तरह का सहमत हो रवि से कहानी एक स्ट्रॉन्ग लिखी गई है कि स्ट्रॉन्ग एक्टर चाहेगा कि इसमें हाँ कि स्ट्रॉन्ग मैसेज है बेसिकली सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की लड़कियों के लिए। हमारा टैगलाइन ये है कि सेव आवर डॉटर्स, तो बेसिकली सबके लिए फिल्म है, फैमिली के साथ जाके आप देख सकते हैं पूरी फिल्म, और एक अच्छा मैसेज और अच्छी फिल्म आपको देखने को मिलेगी। म्यूजिक बहुत अच्छा है, और ट्रेलर में आपने देखा जी, वो हालात इस तरह के होते हैं उसके साथ कि उसके मतलब वो हालातों की मारी हुई, देन वो एक
फिर वो उठती है दोबारा, तो वो उसी की कहानी है। तो फॉरन राइज नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, इससे बड़ी शक्ति कुछ होती नहीं है जी। वो तो एक औरत जब प्यार कर सकती है और औरत जब अपने उस पर आ जाती है तो वो कुछ भी कर सकती है। तो ये फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली वो कैसे जी 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 वो नेता बनती है, कैसे वो पॉलिटिशियन बनती है। जी थैंक यू मैम। कन्वर्जन जो आपने बोला बिल्कुल हमारी फिल्म में एक रियल मुद्दे को लेकर आ रही है। फिल्में समाज का आईना होती हैं, तो जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ये फिल्म दर्शा रही है, और ये करंट हमारे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे इंडिया में चल रही है। और इसी वजह से ये फिल्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल मैसेज के साथ एक एंटरटेनमेंट पैकेज में हम लेकर आ रहे हैं, ताकि लोगों को मैसेज पहुँचे लेकिन साथ ही साथ एंटरटेनिंग वे में कही गई बात जो है वो यूथ जो है उनको टारगेट ऑडियंस है हमारे, तो उनको वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है। इसीलिए द कन्वर्जन हम इस तरीके से लेकर आ रहे हैं। सर ये फिल्म रियल लाइफ इशू से बना अच्छी बात है, लोग देखते हैं, कमर्शियली बेनिफिट भी होता है, लेकिन रियल लाइफ इशू पर फिल्म बनाने से रियल लाइफ इशू का जो प्रॉब्लम है वो कितना सॉल्व होता है ये बताइए। देखिए सिनेमा एक माध्यम है, जितना हम सीखते हैं, अगर आज हम सिनेमा को अगर उस तरीके से देखें कि सीखने के नज़रिए से देखें, तो जितने भी आज एक्टर हैं कभी कभी लोग खुद बोलते हैं कि मैं फिल्में देखता था और आज फिल्में देख के मैं एक्टर बना। तो एक माध्यम है, ये जरिया है लोगों को बताने का, और ऐसा नहीं है कि पूरा समाज सुधर जाएगा, लेकिन जब धीरे धीरे आज हम बनाएंगे भले ही वो 10 व्यक्तियों तक पहुँचे और वो इम्प्लीमेंट करें, आज 10 बदलें कल 100 बदलेंगे, कल जब माँ बाप पहुँचते जाएंगे 125 करोड़ देश, ऐसे धीरे धीरे उस समस्या को अपने आप ही खत्म कर देगा। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हर चीज़ का दो नज़रिया का देखने का है हर चीज़ का। अब सपोजली एक हिंदू लड़की है एंड शी फॉल्स इन लव विद अ मुस्लिम गाय एंड शी कन्वर्टेड टू मुस्लिम कल्चर या मुस्लिम को कन्वर्ट होती है, तो इट्स अ गुड थिंग है ना, इसमें बुराई क्या है ये बताइए आपकी क्या। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं, मैं आपका जवाब देता हूँ। कन्वर्ट तो देखिए कन्वर्ट की भी तो इसमें बात ही नहीं है, हमने कहीं बात की कन्वर्ट क्यों नहीं हो। जब एक जब पत्नी जब शादी जब एक लड़की जब शादी करती है तो हर धर्म में जब लड़की जब शादी करती है और नहीं आप सवाल आके इधर आप आके पूछिए है ना, तो फिर आप यहाँ आइए फिर बोलिए। जब कोई लड़की जब शादी करती है जब पत्नी बनती है तो वो अपने पति का सरनेम लेती है, तो वो कन्वर्ट नहीं कहते, स्वेच्छा से होता है, एक रीति रिवाज के अनुसार होता है कि आज मेरा नाम ये है कल लड़की का नाम ये हो जाएगा। लेकिन आज के माहौल में ऐसा है कि लड़की अपने पिता के सरनेम के साथ साथ अपने पति के सरनेम को भी कैरी करती है, लेकिन वही अगर दबाव के साथ किया जाए कि नहीं तुम्हें तो ये करना पड़ेगा, तुम्हें इस छल के साथ किया जाए, अपनी पहचान छुपा के प्यार करना, शायद इसीलिए सरकार ने इसका नाम लव जिहाद दिया है। हम इसको कहते हैं कि फोर्सफुली कन्वर्जन, कि इच्छा से जो कर रहा है वो इच्छा से आज इंडस्ट्री से लेके बाहर भी जितनी शादियां होती हैं वो इच्छा से, जिन्होंने अपना धर्म बदला अपना नाम बदला वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, लेकिन दबाव में जाके किया जाता है, छल के साथ किया जाता है, धोखे के साथ किया जाता है, वो फोर्सफुली कन्वर्जन है, वही लव जिहाद है। जी मेरे कैरेक्टर का नाम इसमें देव है, तो वो एक बेसिकली ये लव स्टोरी लव ट्राइंगल है तीन लोगों के बीच में। तो एक हिंदू समाज का लड़का है जो कि एक मॉडर्न सोच रखता है, लेकिन अपने फैमिली अपने रिलीजियस वैल्यूज़ को अपने वो सब भी साथ में लेके चलता है। तो बेसिकली कहानी में जो भी कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि जो भी साक्षी प्रॉब्लम में आती है या जिस तरह की उनकी ज़िंदगी में उन्हें सपोर्ट करता है, एक अच्छी राय देता है, अच्छा समझदार लड़का है, तो बस उतना ही किरदार है सर मेरा फिलहाल। बाकी 22 अप्रैल को आपको देखने को मिलेगा। गुड वेरी गुड सर, आप बताइए क्या चाहेंगे प्रोजेक्ट के बारे में और क्या क्या जानना चाह रहे हैं। किसके बारे में? प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में सर से इतने तो इतना अच्छे से बता ही रहे हैं कि जो कन्वर्जन है अपने आप में, जो ऐसा एक सोशल अवेयरनेस है जो आज की जो यूथ है, जैसे हमारा टैगलाइन है सेव डॉटर्स, तो ये एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो हमारी जो यूथ है मोस्टली गर्ल्स जो हैं उनको एक सही दिशा मिलेगी कि प्यार करना गलत नहीं है, प्यार लव प्यार पे ही पूरी दुनिया कायम है, प्यार तो हर चीज़ जैसा होता है, बट सही प्यार करने में गलत रास्ता ना भटके, तो एक अवेयरनेस लोगों को मिल जाएगी और एक एंटरटेनमेंट के साथ पूरा पैकेज मिल जाएगा फिल्म का। फोर्सफुल वर्ड सही है कि फोर्स करके आप किसी को कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, फोर्सफुली हम तो ये करें, फोर्सफुली शब्द ही गलत है।
हम एक रहे जो फोर्सफुल कन्वर्जन होता है वो गलत है, हमने उसको सही कहा ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि कन्वर्जन स्वेच्छा से किया जाता है। कन्वर्जन मतलब होता है कि स्वीकारना, हम किस चीज़ को स्वीकार रहे हैं, हम ग्रहण करना, लेकिन दबाव दे के नहीं, तुम्हें ये ग्रहण करना पड़ेगा। दिस इज ए फोर्स कन्वर्जन। कहाँ तक मानते हैं कि इस चीज़ को लेकर गवर्नमेंट एक हार्ड स्टेप होता है? मैं आपकी बात, आपके सवाल से पहले ही बता दूं, अगर ये समस्या नहीं होती जो आप कहना चाह रहे हैं, समस्या नहीं होती तो आज जो इतनी बड़ी स्टेट है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तो ये इस पर इतना सख्त कानून नहीं बनाती। कहीं ना कहीं समस्या है, उनको वो नहीं पढ़ा कि ऐसे जरिए कानून बना देते हैं। जब समस्या, जब समाज में सरकार तभी निर्णय लेती है जब उनके सामने कोई समस्या आती है, और वो समस्या बड़े रूप में जब आती है तो उसके लिए एक्शन प्लान बनाया जाता है, उसके लिए कानून बनाए जाते हैं। मिसिंग का और कन्वर्जन का और यू नो दिस काइंड ऑफ टॉपिक कितना ज़्यादा हाईलाइट किया। बहुत अच्छी बात है। मेरे मित्र जिनका नाम बताया, क्या नाम बताया आपने? विपुल शाह जी। विपुल शाह जी जैसे और भी लोग निकल के आए, आज हमने शुरुआत कर दी है, लेकिन शुरुआत करने की देर है। हमें भी जब हमें भी बहुत डर था कि हम ये सब्जेक्ट करें नहीं करें क्या होगा। हमें भी 50 लोगों के पास में इस सब्जेक्ट को लेके गए थे, उन्होंने कहा कि यही सब्जेक्ट मिला था आपको फिल्म करने के लिए, सॉरी हम आपके साथ में एसोसिएट नहीं हो सकते, हम इस फिल्म में आपके साथ में एज ए प्रोड्यूसर नहीं आ सकते, एज ए पार्टनर नहीं आ सकते। लेकिन ये कि एक शुरुआत कर दी है, तो शुरुआत अगर देखी, जैसे अभी आपने बताया कि शायद अब उन्होंने भी फिल्म बनाने का निर्णय लिया, फिर और भी व्यक्ति लेंगे। मैं चाहता हूँ ऐसे 10-20-50 लोग आएँ तो इस समस्या को इस लेवल पे उठा के लेके जाएं, ताकि वो समस्या के से लोग इतने जागरूक हो जाएं ताकि उस दलदल में फंसे ना। कहानी बिल्कुल काल्पनिक नहीं है, ट्रू इंसिडेंट जो इंडिया में हो रहे हैं, जो घटनाएं घटी गई हैं उनसे प्रेरित होकर ये फिल्म बनाई गई है। हाँ, सहारा लेना पड़ता है काल्पनिक, थोड़ा सा उसके लिए मॉडर्नाइज करने के लिए, सीन्स रियलिस्टिक सीन नहीं है, है काल्पनिक, लेकिन काल्पनिक के साथ साथ जो आजकल की जो घटनाएं घटी गई हैं उस घटनाओं से प्रेरित होकर ये फिल्म बनाई है। देखिए लड़कियां, क्योंकि मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ, हम चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो जाएं, लेकिन जो लड़कियां होती हैं ना, हम बहुत इमोशनल होती हैं। हमारा जो रूट है, हमारे अंदर जो ऐसी चीज़ें हैं, हमारे अंदर वो इमोशंस रहते ही हैं। आप चाहे कितनी भी मॉडर्न हो जाइए, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी पढ़ाई लिखाई जो कर रहे हैं उसके साथ ही साथ हमेशा जो प्यार है उसे लड़कियां उन उसके लिए बहुत इमोशनल होती ही हैं। अब वो आप भी अग्री करेंगी कि जब हम अपने पार्टनर से प्यार करते हैं तो 100% से भी ज़्यादा देते हैं उस रिश्ते को बचाने के लिए, उस रिश्ते को चलाने के लिए, उस रिश्ते में बहुत कुछ इन्वेस्ट लड़कियां करती ही हैं। और जब इमोशंस की बात आती है ना, तो आप चाहे कितने भी शिक्षित हो जाएं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो हमारी फिल्म यही मैसेज लेकर आ रही है कि आप इस फिल्म को देखिए और आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ गलत जा सकते हैं। वो अवेयरनेस फैलाने के लिए ही हमारी ये फिल्म आ रही है। आपका रिएक्शन कैसा था? तुरंत आपने हामी उसको करने के लिए, किरदार को करने के लिए हामी भरी या फिर कुछ सोच विचार किया आपने? नहीं, सर ने मुझे सोचने ही नहीं दिया ना, वो मिले, बस बात की मैंने, कॉफ़ी पी, सर ने कहा आप ही साक्षी मिश्रा हैं, आप कर रही हैं ये फिल्म, तो मैंने कहा सर स्क्रिप्ट तो आप बताइए पहले, सुनूँ तो क्या मतलब कौन है साक्षी मिश्रा? सर ने कहा बिल्कुल सुनिए आप, लेकिन आप हैं साक्षी मिश्रा। तो इनका विश्वास था, इनका फेथ था, इनको वो साक्षी मिश्रा मुझ में दिख गई। और फिर मैंने जब स्टोरी सुनी, वंदना मैम ने स्टोरी सुनाई, नरेशन हुई, तो जब लास्ट उसका जब एंड हुआ तो मुझे बहुत, मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो पीड़ा जो है साक्षी मिश्रा की मुझे समझ में आ रही थी और मैं बहुत तकलीफ़ में थी। और मैंने कहा सर मैं ये रोल करूँगी और आप सच कह रहे हैं, मैं ही साक्षी मिश्रा हूँ। एंड देन उसके एक हफ्ते के बाद हम बनारस ही चले गए और बनारस में शूट कर रहे थे, और बनारस एक ऐसी जन्मभूमि है मेरी, तो सोचिए जन्मभूमि और कर्मभूमि जब मिलेगी तो फिर क्या ही होगा। हमने जो पूरी फिल्म की जो शूटिंग करी है वो दशाश्वमेध घाट के नाम से की है, और ये जब तक फिल्म एडिट कंप्लीट नहीं हुई थी तब तक फिल्म के बारे में किसी को भी नहीं मालूम था कि हम क्या शूट कर रहे हैं। तो लोगों तक ये बात मतलब ज़्यादातर लोग जब ये सोच रहे थे कि विंध्या वेकेशन मनाने के लिए मम्मी पापा के पास गई हुई है, मतलब कोई अपडेट नहीं थी, मतलब हम शूट कर रहे हैं ये भी किसी को पता नहीं था। सो दैट वाज अ डेलिबरेट, उस घटनाओं से सीख कर ही आदमी सीखता है। तो हमने सुना देखा था कि हम ये डायरेक्ट ये नाम रखें, द कन्वर्जन रखें, हमने कहा नहीं, बेहतर ये कि हम इस फिल्म को पहले शूट करते हैं, शूट करने के बाद में जब फाइनल, क्योंकि ये और हमारा पहले से रहा है
कि हम कभी भी फिल्म मुहूर्त करके या शूटिंग के दौरान ना कोई हमारा एक्टर कोई पोस्ट डालता है, ना कोई हमारी टीम के मेंबर पोस्ट डालते हैं। जब फिल्म कंप्लीट होकर एडिट होती है, जब पहला पोस्टर आउट होता है, तब मालूम पड़ता है कि हमारी टीम या विनोद तिवारी टीम कुछ प्रोजेक्ट कर रही है। मेरा सभी से अनुरोध है कि अगर बड़े हैं तो अपने बच्चों को, जो 12 साल से लेकर 18 साल के बच्चे हैं, उनको ये फिल्म ज़रूर दिखाएं। और बड़े लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो फिल्म देखें, ताकि वो आगे चल के अपने लोगों पर इसको इम्प्लीमेंट कर सकें, ताकि अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें कि जीवन में ऐसी गलती नहीं करना जो इस फिल्म की हीरोइन ने की या इस कैरेक्टर ने की। वो जब आम इंसान होता है उस कैरेक्टर को अपने अंदर अपनाता है, और मेरा पूरा विश्वास है कि जब पूरी फिल्म देखेंगे तो अच्छे से पूरी फिल्म को शूट किया है वाराणसी में, और बनारस ये इतना स्ट्रगल करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं, तो एक सफलता तभी होती है, उसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो सर ने पेशेंस बहुत रखा, हम सब ने, हमारा टीम एफर्ट रहा है, नहीं तो पेशेंस रखते रखते लोग बहुत गिव अप कर देते हैं। तो एक होता है कि हर सही चीज़ का सही वक्त होता है, तो मुझे लगता है अब ये सही वक्त आ चुका है और ये अब आप सबके सामने बहुत जल्द आने ही वाला है। और बाकी तो जो मैं अपने किरदार के बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं, वो तो फिल्म देखेंगे, क्योंकि मैंने, सर ने मुझे इतने अच्छे से नरेट किया था जब इन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई थी, तो मैंने पूरा सुन के, मेरे माइंड में जब चल रहा था कि ऐसी फिल्म तो कभी बनी नहीं ऐसा, और मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ बीइंग एक्टर, मैं एक भारत का युवा भी हूँ, कि मुझे कलाकार के होने के साथ साथ इस चीज़ को एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक अपना सोशल अवेयरनेस भी देना दे रहे हैं आज की यूथ को। तो आई फील वेरी लकी। बस यही कि गाने म्यूज़िक बहुत अच्छा है इस फिल्म का ओवरऑल, अगर आप टॉपिक से हटके देखें इस फिल्म में वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें, ये गाते बहुत अच्छा है। तो आँखों के ताज महल में राज है तेरे ही चेहरे का, हुआ ये दिल आशिक मिजाज है बैठे बैठाए बेवजह, मुझ पे चढ़ गया चाहत का खुमार है, तेरे इश्क की ऐसी धुन सवार है, तेरे इश्क की धुन सवार है। सा थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।